नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांति का पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन नो स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था जस्ट नो स्ट्रोक के बारे में। आज जो है रिप्रोडक्शन इन नो स्ट्रोक हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नो स्ट्रोक की जो रिप्रोडक्शन है वो एक वे से नहीं है, इसकी बहुत सारी टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है वो है बाय हार्मोगोनिया। अब बाय हार्मोगोनिया से कैसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है? द फिलामेंट ऑफ नो स्टोक ब्रेक्स अप इंटू मैनी पीसेस। जो फिलामेंट्स हैं नो स्टोक के, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो स्टोक की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें यही बताया था कि नो स्टोक की जो स्ट्रक्चर है वो बीडेड फॉर्म में होती है। बीडेड फॉर्म मीन्स माला की तरह, जैसे मोतियों की माला होती है गले में पहनने वाली। ठीक है, तो उसी तरह से जो नो स्ट्रोक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, फिलामेंट्स फिल हुए होते हैं, जैसे माला में मोती फिल हुए होते हैं, सेम लाइक इनके अंदर जो है वो फिलामेंट्स फिल हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, फिलामेंट्स ऑफ नो स्ट्रोक ब्रेक्स अप इनटू मेनी पीसेस। वो जो फिलामेंट एक एक मोती कह लो या वो जो एक एक फिलामेंट है वो क्या होते हैं, वो टूटते हैं। ठीक है, एक एक फिलामेंट टूटता है बहुत सारे पीसेस में, जिसे कहा जाता है हार्मोगोनिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, हार्मोगोनिया। अब ये जो हार्मोगोनिया, ईच हार्मोगोनियम, हार्मोगोनिया मीन्स बहुत सारे पीसेस। ठीक है, टूटे हुए एक फिलामेंट के बहुत सारे पीसेस जो है वो हार्मोगोनिया कहलाते हैं। जबकि ईच हार्मोगोनियम, एक एक जो ये पीस है, ये जो पीसेस टूटते हैं फिलामेंट्स के, ठीक है, इसका जो एक एक पीस है वो हार्मोगोनियम कहलाता है। ईच हार्मोगोनियम ग्रोज इन टू अ न्यू फिलामेंट्स, जो है एक एक हार्मोगोनियम जो है वो ग्रोथ करता है, देन इनकी एक नया फिलामेंट बनाता है। ठीक है, इसी तरह से इनकी बाय हार्मोगोनिया जो है रिप्रोडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय एर्थ्रोस्पोर्स और अकाइनेट्स। ठीक है, इसे आर्थ्रोस्पोर्स भी कहा जाता है और अकाइनेट्स भी कहा जाता है। कैसे इनके तहत कैसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन की मीनिंग होती है कि जब बॉडी के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है फूड की शॉर्टेज हो जाती है, बॉडी से जो है फूड ख़त्म हो जाता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो आ जाती है। सम सेल्स ऑफ नोस्टो, कुछ जो सेल्स हैं नोस्टो फिलामेंट्स के, बिकम इनलार्ज। देखिए, मोतियों की माला तो मैंने बता दी कि इनकी जो है होती है स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लेकिन वो वाले मोती वाले माला नहीं जिसकी जो मोती है इक्वल होते हैं, नहीं, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो जो दूसरी माला होती है जिसमें एक मोती बड़ा बाकी दो तीन छोटे आगे, फिर से बड़ा फिर दो तीन छोटे आगे, तो सेम लाइक ऐसा ही उनका स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मोती बड़ा आ जाता है, तो इसी तरह से इनके अंदर भी जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में सम सेल्स ऑफ नो स्टोक फिलामेंट के, कुछ जो सेल्स होते हैं नो स्टोक फिलामेंट के, वो इनलार्ज होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इनलार्ज होते हैं एंड कवर्ड बाय थिक वाल, जो कि कवर हुए होते हैं एक मोटी सी वाल से, थिक वाल से, दे आर कॉल्ड अकाइनेट्स। उसे क्या कहा जाता है, अकाइनेट्स। ठीक है, और आर्थ्रोस्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में ही होते हैं। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब भी उनका काम जो स्टार्ट होता है, दे आल्सो स्टोर फूड मटीरियल, कि ये क्या करते हैं, ये फूड को भी स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, दे टेक रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में होते हैं, एंड जर्मिनेट, ये कब जर्मिनेट होते हैं, कब अपना काम स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब जो है ये एक नया फिलामेंट बनाते हैं, देन इनकी जो है बाय आर्थ्रोस्पोर्स या काइनेट्स से इनकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट बाय हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट जो है वो पता है कि जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है तब भी जो है हेट्रोसिस्ट काम करता है, लेकिन ये एक हिसाब से कह देते हैं कि ये जो है रिप्रोडक्शन में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, द हेट्रोसिस्ट आल्सो टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक हिसाब से कह देते हैं कि जो है ये भी हेट्रोसिस्ट भी जो है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द फिलामेंट एंड चेंज देम सेल्फ इन टू रिप्रोडक्शन। ये फिलामेंट से चेंज होते हैं, ठीक है, अपने आप को अलग रखते हैं रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सेल से। ईच हेट्रोसिस्ट डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। ठीक है, एक एक जो हेट्रोसिस्ट है
वो कब डेवलप होता है, जब एक नया फिलामेंट बनता है, ठीक है। जब कैसे, जब सेल की डिवीज़न होती है, सेल की डिवीज़न होगी तो नया फिलामेंट बनेगा, देन नया फिलामेंट बनेगा तो उसके अंदर हेटरोसिस तो लाजमी है, कंजिस्ट होगा, डेवलप होगा। तो सेम लाइक दैट के ऐसे कह सकते हैं कि हेटरोसिस्ट भी जो है वो रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हो सकता है वो करें। थैंक यू सो मच।